दोस्तों, जब भी हम में से कोई भी रात में तारों को देखता है तो अक्सर अपने आप से ये सवाल जरूर पूछता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर सेकंड क्या हो रहा है। हम मानवों के लिए यह लगभग अकाल्पनीय है और एंशियंट टाइम पीरियड के लोगों के लिए यह तारे कई रहस्यों से भरे हुए थे। हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे अंतरिक्ष में कई सारे छिपे हुए रहस्यों और चीजों को खोजा है और उन्हें समझा भी है, लेकिन अभी भी हमारा ज्ञान अंतरिक्ष की दुनिया को समझने के लिए अधूरा है। लेकिन अंतरिक्ष खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में कई ऐसी खोजें करी हैं जिनमें से मैं आपको टॉप 5 मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप सभी यह सोच में पड़ जाओगे कि यह डिस्कवरीज फ्यूचर में हमारे लिए क्या लाएंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, 2005 से पहले पूरी दुनिया और सभी स्पेस एक्सप्लोरर ये मानते थे कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जिसमें नोवा ग्रह प्लूटो था। लेकिन जब 5 जनवरी 2005 में इरिस प्लैनेट की खोज के बाद से यह सब बदल गया था, क्योंकि इरिस प्लूटो से 27 गुना ज्यादा बड़ा था और इसका ऑर्बिट पाथ भी काफी लंबा और अंडा आकार का था। इरिस को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 560 पृथ्वी सालों का समय लगता है। इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को सौर मंडल के सभी ग्रहों को कई कंडीशंस के साथ दोबारा रीक्लासिफाई किया गया था, जिसमें कोई भी पिंड एक ग्रह तभी कहलाया जाएगा जब वह 3 कंडीशंस को पूरा करेगा। पहला, वो पिंड सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरा, उस पिंड में इतना मैस हो कि वह अपने को गोल आकार में बनाए रख सके। और तीसरा, वो पिंड अपने नेबरहुड यानी ऑर्बिट पाथ के वातावरण को साफ रख सके। और यही कंडीशन थी जिसे प्लूटो और एरिस दोनों पूरा नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली दोनों ग्रहों को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट असल में वो ग्रह होते हैं जो गैलेक्सी में मौजूद दूसरे स्टार सिस्टम में अपने तारे को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल के सूरज को नहीं। इन ग्रहों का अपना ही एक सौर मंडल होता है जो अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करते हैं। और दुनिया भर के वैज्ञानिक पहले से ही ये अनुमान लगा चुके थे कि हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। और सन 1992 में सबसे पहले एक्सोप्लैनेट की खोज हुई, जिसे नाम दिया गया था 51 पेगासी बी, जो अपने तारे 51 पेगासी तारे को ऑर्बिट कर रहा था, जिसे कंफर्म किया था रेडियो एस्ट्रोनॉमर अलेक्जेंडर और डेल फ्रेल ने। और इसी खोज के बाद से मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज शुरू हो गई थी। और दोस्तों, आप सभी को हैरानी होगी कि अभी 2020 तक दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कंफर्म किया है कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में ही पृथ्वी जैसे 600 करोड़ ग्रह मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल का आइडिया कई सेंचुरीज तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों के जहन में घूमता रहता था, लेकिन कई सालों तक वैज्ञानिकों को ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि पृथ्वी से ब्लैक होल को देख पाना पूरी तरह नामुमकिन था। लेकिन जब 1990 में दुनिया के सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप हबल को स्पेस में लॉन्च किया गया, तो उसने हमें ब्रह्मांड की असली दुनिया को दिखाया, जिसमें करोड़ों गैलेक्सीज, नेब्यूलास, तारे और ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को जानने में भी मदद की। हबल डायरेक्टली तो ब्लैक होल को नहीं देख पाया, लेकिन हबल ये देख पाने में सक्षम रहा था कि ब्लैक होल मैटर्स को अपने अंदर किस ओर से खींच रहे हैं। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इससे लाइट भी बचकर वापस नहीं आ पाती। अगर आप ब्लैक होल की दुनिया को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल हमेशा से ही नासा की नजरों में रहा है और नासा हमेशा से ही मंगल ग्रह को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन वे चाहते थे कि मंगल को और भी करीबी से स्टडी किया जा सके और ये जाना जा सके कि क्या वह पृथ्वी के जैसे लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। और कई असफलताओं के बाद 1976 में नासा अपने वाइकिंग मिशन के जरिए मंगल ग्रह पर दुनिया के सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने में सफल रहे थे। वाइकिंग 1 में ऑर्बिटर और लैंडर को भी साथ भेजा गया था, जिसका मकसद था मंगल ग्रह की सतह की पढ़ाई करना, हाई डिटेल को कैप्चर करना और मंगल ग्रह के वातावरण को पढ़ना। और क्राफ्ट के जरिए सतह पर कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे और हमें कई ऐसे सुराग मिले जिससे हमें ये सुझाव मिले कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। और नासा ने फिर एक के बाद एक रोवर्स को मंगल ग्रह पर भेजना शुरू किया,
जिसमें शामिल थे स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी और इसी साल भेजा गया परसिवेरेंस रोवर। ये सभी रोवर्स नासा के द्वारा भेजे गए थे। अगर आप इन रोवर्स की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों, कॉमेट का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले हेलिस कॉमेट का ही नाम आता है, जो हर 75 साल बाद पृथ्वी से होकर गुजरता है। और लास्ट ईयर एक और कॉमेट नियोवाइस को भी पृथ्वी से आसानी से ऑब्जर्व किया गया था। जिन्होंने भी नियोवाइस कॉमेट को देखा होगा वो बहुत ही लकी होंगे, क्योंकि अब नियोवाइस हमें अपनी लाइफ में दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट पीरियड 6767 सालों का है। बात करें इनके नेचर की, तो एक कॉमेट असल में एक स्नो गैस बॉल के जैसा होता है, जो सौर मंडल के अंत में ओट क्लाउड से सीधा होते हुए सूरज को ऑर्बिट करते हैं। हमने कई सेंचुरीज तक केवल कॉमेट्स को पृथ्वी से देखा है और स्टडी किया है। लेकिन दोस्तों, 2014 में रोसेटा मिशन पहला ऐसा सफल मिशन रहा था जो एक कॉमेट पर लैंड हुआ था। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2 मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था, और अपने 10 साल के सफर के बाद वह 67P कॉमेट पर लैंड हुआ था। इस मिशन की सफलता वैज्ञानिकों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुई थी, क्योंकि अब वे जान पाएंगे कि कॉमेट आखिर किस किस मटेरियल के बने होते हैं। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 स्पेस डिस्कवरीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।